उत्तर प्रदेश के केसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह को, जो कि ओलंपिक अध्यक्ष हैं, इन पर आरोप है कि इन्होंने कुश्ती महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की है और इनके खिलाफ जंतर मंतर पर कुश्ती के बड़े बड़े दिग्गज पहलवान धरने प्रदर्शन पर उतर आए हैं, जिनमें शामिल विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक व अन्य ओलंपिक खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सांसद ओलंपिक अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर FIR दर्ज की जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम इसी तरह यहां जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितने हम अपने देश के शुक्रगुजार हैं, उतने हम आप मीडिया लोगों के धन्यवाद करेंगे कि आप इतने डिफिकल्ट टाइम्स में भी कि कोई भी लोग हमारा साथ नहीं देने लग रहे हैं। देश की मीडिया, देश के लोग जो है वो हमारे समर्थन में खड़े हैं। पूरी रात आप लोग डटे रहे थे, हम सो गए थे, लेकिन कुछ लोग आप फिर भी बैठे थे। हमें कष्ट और हमने दुखी फील होने लग रहा था कि आप लोग बैठे हो, हम सो रहे हैं और आप लोग इतने अच्छे से हमारा सब कुछ दिखा रहे हो, हमारे न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हो। तो आप लोगों की ये जो जो भावना है खिलाड़ियों के प्रति, ऐसे ही बनाए रखिएगा और आपके ये खिलाड़ी आपको कभी निराश नहीं करेंगे। ये तो हम प्रोमिस करते हैं आपको कि कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि आप लोगों पे भी कभी आ जाए कि आप लोग कवर कर रहे थे उन खिलाड़ियों को, देखो उन्होंने क्या कर दिया। हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और आप लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए। पूरा देश हमें सहयोग और समर्थन दे रहा है और हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और आज जब हम खिलाड़ी जीतेंगे तो और जो खिलाड़ी हैं, आने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनका भी हौसला बढ़ेगा। और मैं चाहती हूँ, एक महिला खिलाड़ी होने के नाते बहुत मुश्किल होती है गाँव से निकल के रेसलिंग जैसे गेम में जाना, ओलंपिक्स में मेडल लेके आना। हम लड़कियां खुले में उड़ना चाहती हैं और जो हमारे पर काटने की कोशिश करेगा या कर रहे हैं, तो उसके जो अन्याय की जो लड़ाई है उसमें जो हम लड़ रहे हैं, वो आप लोग जो इतना साथ दे रहे हो उसका हमेशा शुक्र गुजार रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही बने रहो, आपके खाने पीने की जो भी समस्या होगी वो हम सब देखेंगे, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आप हमारा परिवार हो अब इस अन्याय की लड़ाई में। धन्यवाद। देखिए मैम, अभी हम इन झूठी बातों में आने वाले नहीं है। पहले हमने गलती कर दी, एक कमेटी बनाई थी, वो डे टू डे वर्किंग देखेगी। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह तब भी वो उनको देख रहे थे, उन्हीं के लोग देख रहे थे। WFI ऑफिस तब भी खुला रहता था, तो अभी इस झांसे में नहीं आएंगे। दूसरी बात, हमारा इलेक्शन पे कोई फोकस नहीं है। हमको यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है कि इलेक्शन में जाके हमें कुछ बनना है। हमें हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट्स दी है लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की बृजभूषण शरण के खिलाफ, उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए और उसके बाद में पुलिस जो भी उचित कार्रवाई समझती है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करे और देश की उच्च न्यायालय हमें न्याय दिलवाए। ये हमारी लड़ाई है और जब तक हमारी ये जो अन्याय की लड़ाई है वो जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते, तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे और हमारे आने वाले भविष्य के लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका दायर की है, कल सुनवाई की मांग की जाएगी, इसको लेके क्या की? देखिए 3 दिन हो गए हैं, FIR नहीं हुई है हमारी, FIR नहीं हुई है। तो और किस, आप लोग मीडिया के सामने आए हैं, देश के सामने आए हैं। हमारे देश में इतने बड़े उच्च न्यायालय जो बनाए हैं, एक स्वतंत्र भारत के नागरिक है, तो उच्च न्यायालय में हम गए हैं। हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें न्याय दिलवाएगा और जो FIR जो पुलिस लॉन्च नहीं करी है तो उसके खिलाफ में भी हम जा रहे हैं कि हमारी FIR लॉन्च की जाए और जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए फेयर तरीके से होने चाहिए। जो हमारे जो कंट्री में इतने लोग बने हुए हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या हमारे लिए एक भी लोग काम नहीं करेगा? जैसे कि हमने देखा कि पिछले जनवरी में आप आए थे, आपको एक कमेटी का झांसा दिया था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? हालांकि ऐसे सेक्सुअल हरेसमेंट जगह जगह होते हैं, जिला जिला तौर पर आप एक खिलाड़ी मालूम है, लेकिन आप जैसे खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है, उन खिलाड़ियों को यहाँ पर आके रातें गुजारनी पड़ती है, तो सरकार आपकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है? आपका क्या कहना है? जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ नहीं कहा इसके बारे में। ये शायद मुझे लगता है कि आप सरकार से सवाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि वो क्यों से ही सवाल है आपके थ्रू, ये सरकार से सवाल है कि उन्होंने क्यों चुप्पी साधी है। तो ये आप उनसे पूछिए कि आप क्यों चुप बैठे हैं। आप खिलाड़ी को जब मेडल जीतते हैं तो आप खूब प्यार और मान सम्मान देते हैं। अब खिलाड़ी जब रोड पे बैठे हैं, अपने न्याय के लिए बैठे हैं,
तो उस टाइम पे आप चुप क्यों हैं? तो और रही बात कमेटी की, कमेटी ने जो चीजें कमेटी में हुई हैं वो सभी को आर्टिकल आए थे, हमने भी आर्टिकल के माध्यम से पता चला, और कमेटी ने हमें आज तक नहीं बताया, ना कोई लिखित में दिया ना कोई बर्बली बताया कि भाई हमने आपकी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, या हम जिस दिन ब्रजभूषण के बयान हुए थे उस दिन तो लॉयर भी नहीं था, खिलाड़ियों को तो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ बिठाया जा रहा है, उनको तो ये भी नहीं बताया जा रहा कि भाई आपके साथ लॉयर भी है, उसका ये नाम है और ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। और उसके जब ब्रजभूषण का वो आर्टिकल में हमने देखा कि जिस दिन ब्रजभूषण को बुलाया उस दिन तो लॉयर भी नहीं था, तो ये सारे कानून सिर्फ खिलाड़ियों के लिए या कमजोर आदमियों के लिए है। मेरा सीधा सवाल है कि वो बीजेपी के सांसद है तो बीजेपी की सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सरकार से तो कोई बयान नहीं आ रहा, जबकि देश के खिलाड़ी यहाँ पर आके रातें गुजार रहे, तो कोई सरकार का प्रतिनिधि आएगा आपके साथ? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, खिलाड़ियों के लिए, हम ना कोई बीजेपी से है ना कांग्रेस से है, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी है, ना हरियाणा से है ना हम पंजाब से है, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी है, हमें इसी तरीके से ट्रीट किया जाए। और रही बात बीजेपी से है, डेफिनेटली उनको इस चीज़ का फायदा मिल रहा है कि वो बीजेपी से हैं, वो सांसद हैं, और गवर्नमेंट का प्रेशर है या गवर्नमेंट का उनके ऊपर प्रेशर है या उनका गवर्नमेंट पे प्रेशर है ये हमें पता नहीं है, किसका किस पे प्रेशर है। पैसे की ताकत है वो सब दिखती है, हमारे पास सच्चाई की ताकत है, उस सच्चाई की ताकत में हम जी जान से लड़ेंगे और हमारा पूरा देश हमारे साथ में, और आप लोग जो साथ में हो तो हमें उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और आपके माध्यम से भी मैं सभी जितने हमारे एक रेसलिंग के नहीं, जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जैसे कोई भी गेम हो, उनसे भी हम समर्थन मांगेंगे, उनको भी बोलेंगे कि ये कुश्ती की लड़ाई नहीं है, आने वाले सभी खेलों के भविष्य की लड़ाई है ये। और जितने भी हमारे संगठन है, चाहे वो महिंद्रा संगठन है, किसान संगठन है, पंचायत है, खाप है, हम सबसे समर्थन मांगेंगे कि खिलाड़ियों की जो ये लड़ाई है इनमें सब आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि अगर अब हम नहीं जीत पाए तो ये जो अब पर्दे के पीछे हो रहा है ये खुलेआम होगा, क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर हैं जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चे। कमेटी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स आई हैं जिसमें लिखा है कि तीन चीजें लिखी हैं, कि एक उस रिपोर्ट से जो पता चला है कि एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो थी वो ढंग से नहीं बनी हुई थी, जो 2013 में एक होनी चाहिए थी एक्ट के अनुसार। दूसरा ये लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी और कंसल्टेशन की जरूरत है बिटवीन द फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स पर्सन। और तीसरा लिखा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कमी थी, ये ओसी की रिपोर्ट से पता चला है। जो 15 लड़कियों ने जो बयान दिए थे सेक्सुअल हरासमेंट पे, उसके ऊपर हमें चाहिए, उसके ऊपर क्या कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, क्या उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में FIR दर्ज हो, अगर मिली है तो ब्रजभूषण के खिलाफ में FIR दर्ज हो, कोई एक तो सच है कोई एक तो झूठ है। 12 लड़कियों ने वहां जाके बयान दिए थे, और अभी जो सोर्सेज के थ्रू आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है और लड़कियों ने कोई ऐसे बयान नहीं दिए, तो वही विनेश वाली बात है, या तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर उनको कुछ नहीं मिला तो हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई की जाए कि हमने क्यों वहां जाके कुछ भी बोला। तो ये है कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब वो छुप छुपा के कर रहे हैं, धोखाधड़ी में रख के कर रहे हैं। साक्षी है, कमेटी स्टार्टिंग से ही हमारे खिलाफ में बायस थी, स्टार्टिंग से ही बायस थी, वो उनको प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, हम 3 महीने से फोन कॉल से मैसेज से हर दिन प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज हमें रिपोर्ट में दीजिए क्या आया है, क्या आपने निकाला है, क्या निष्कर्ष पे आप पहुंचे हो, किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, फोन उठाने तक हमारे बंद कर दिए। अब जब उनको ये पता लग गया कि हमने पुलिस में FIR दर्ज करने के लिए कंप्लेंस दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में हम जाने वाले हैं, तब ये लोग प्रेशर में रिपोर्ट निकाल रहे हैं, तो पहले ये रिपोर्ट क्यों रिलीज नहीं की गई? सामने आए हैं तभी तो कंप्लेंट दी है ना, और अगर उनकी खुद की बेटी होती तो वो सामने लेके आ जाते कि जनता के सामने बताओ भाई कि उनकी खुद की बेटी, जैसे हम सब की बहन बेटियां हैं, हमें उनकी इज्जत भी देखनी है, क्योंकि ये नहीं कि हम कोई किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ तो उसको सामने ला खड़ा कर दो, इसके साथ हुआ है। और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है जी, उसके सामने जाएंगी लड़कियां, ना कि ब्रजभूषण के सामने। ब्रजभूषण से उनसे पूछ लो ना। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का लो भी कहता है कि नाम और आइडेंटिटी आगे आ ही नहीं सकती, और हमें कॉल्स आ रहे हैं इस चीज को लेके कि नाम पता बता सकते हो, ये तो रूल ही नहीं है, बिल्कुल अनफेयर चल रहा है, नाम पता करने की कोशिश चल रही है। जिन लड़कियों ने डिपोज किया कमेटी के आगे और बोला कि हमारे देश में ये हमारे साथ ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला जो है, क्या उन्होंने इतनी सफाई के साथ में और इतनी स्ट्रांग एविडेंस के साथ में ये बात
कमेटी के सामने पेश करी थी कि वाकई में उनको नील किया जा सके कि हाँ ब्रिजभूषण यहाँ पकड़े गए। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे सकती हूँ, किसी लड़की को बंद कमरे में बुला के उसको पकड़ लेना, जबरदस्ती उसके साथ में कुछ हरकत करने की कोशिश करना, आप मीडिया वाले लोग भी हो, पूरा देश सुन रहा होगा शायद हमको, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या है, वो सेक्सुअल हरासमेंट है या वो क्या है? देखो इसके बारे में बताना चाहूंगी, जो हमारा पहला धरना था वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया, कुछ गलत लोगों का हमने मात मान ली जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायतें आई, हमारे जो और भी हैं माने जाने वो आए, हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं है, हम सिर्फ हम उनकी बातों में आके हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी। हमारी गांव से उठ के खाप पंचायत आ रही थी, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर के हमारा पूरा धरना खराब हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग है, हमारे साथ आओ, जितने भी पॉलिटिक पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस वोट फॉर दैट, वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि ये एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, उनका हमें सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें? हम एक पहलवान पूरे देश का है, जब झंडा लेके भागता है तो पूरे देश के लिए मेडल जीतता है वो, ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए जीतता है या किसी एक पर्सन के लिए जीतता है, हम पूरे देश के हैं। तो अभी कोई भी आएगा हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, और पिछली बार जो भी हुआ उससे उसकी हम माफ़ी मांगते हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं। और बस इसी साथ के साथ हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आओ सपोर्ट करो, खिलाड़ी खेल विभाग से कोई भी आओ, हम जैसा कि बजरंग ने भी बोला जितने भी खिलाड़ी हैं जो माने जाने उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप लोग आओ और हमारा समर्थन करो। साक्षी अभी तक यूपी के रेसलर्स अभी तक आप लोग को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि क्या यूपी के लोग जो है क्या ब्रिजभूषण क्योंकि यूपी से आते हैं तो यूपी वर्सेस हरियाणा वाली चीज भी सामने आ रही है ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या आप लोग कहेंगे यूपी के रेसलर्स क्यों नहीं ज्वाइन किए? देखो रोज लाखों ट्वीट करवा रहा है लगातार आप लोगों के खिलाफ। देखिए वो बाहुबली है और उसके पास पैसा है, पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कभी सर्च ऑपरेशन करवाता है, कभी कुछ करवाता है, कभी ट्विटर पे कुछ लिखवाता है, तो उस चीज़ का हमें कोई दिक्कत नहीं, लिखवाए वो, पर जो सच्चाई है वो सबके सामने आए, क्योंकि नहीं फोन धमकी अभी तक नहीं आई है, इतने तो वो नहीं है कि भाई बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं। जैसे पर्सनली नाम तो नहीं ले सकते, जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो पिछली बार थे वो अब क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो उनको डर है कहीं ना कहीं कि अगर हम फिर से हार गए या हमारी नहीं सुनी तो उनका करियर खराब हो जाएगा। ठीक है हम तो फ्रंट फुट पे है, हम तो पहले भी धरने में फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, ठीक है हमारा तो जो होगा वो देख भगवान के हाथ में है, लेकिन जो एथलीट हैं, जो पहलवान हैं, जो और हैं, वो डर रहे हैं कि कहीं हमारा करियर बर्बाद ना कर दे, इसीलिए वो पीछे अटके। यूं नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे फुल सपोर्ट में, हमें मैसेजेस आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, बस यही है कि वो अपना करियर बचाने के लिए थोड़े साइड में। साक्षी आप लोग से ये सवाल जो है अभी ये बहुत जरूरी है कि हरियाणा और यूपी का जो बात अभी मैंने पूछा था उसके बारे में एक बार क्लेरिफिकेशन दे, हरियाणा और यूपी। हाँ जी मैं बताती हूँ, ब्रिजभूषण ने खुद ही रूल बनाया था जी, मैं बताऊंगा। जब हम देश के लिए मेडल जीतते हैं तब तो हम हरियाणा के नहीं रहते, जब तो हम पूरे देश के हो जाते हैं, जब अपने हक की लड़ाई के लिए आए तो हरियाणा यूपी हो गया, एक कम्युनिटी होगी। तो ये जो उसकी मानसिकता दिखाती है ना, एक राजनीति जो वो करना चाह रहा है, जो घटिया राजनीति बोलते हैं, छोटी राजनीति, तो वो खेल रहा है, लोगों को डाइवर्ट कर रहा है कि भाई ये तो हरियाणा यूपी के भी तो पहलवान आए हमारे साथ, पूरे देश के पहलवान आए हमारे साथ। और अब सभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम सभी खिलाड़ियों से, एक सिर्फ कुश्ती के खिलाड़ी नहीं, सभी खिलाड़ियों से, चाहे वो किसी भी गेम से हो, सभी से कि भाई अगर आप लोग हमारे साथ आएंगे तो हम एक कुश्ती को नहीं, हमारे पूरे खेल जगत को। तो आपके साथ हैं यूपी के रेसलर्स हैं का? हाँ अर्जुन अवार्डी भी हैं यूपी के, और ओलंपियन भी पहलवान है। अच्छा नाम नहीं बताना। क्या इस बार अगर कोई मध्यस्थता के लिए आता है क्या आप उसके लिए राजी रहेंगी या डटी रहेंगी आप इसी तरीके से?
देखिए वो मध्यस्थता के लिए आई थी, अभी वो सरकार के प्रेशर में है या किस चीज़ में प्रेशर में है, वो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स पर्सन से ज़्यादा उनको पार्टी अच्छी लगती होगी, क्योंकि वो पहले थी खिलाड़ी, अभी तो वो पॉलिटिक्स कर रही है। तो हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हमने पहले ट्रस्ट करके धोखा खा लिया है। अब कोई भी अगर बातचीत करना चाहेगा तो सबसे पहले तो हम यही बातचीत करेंगे, दूसरा अब की बार हम बातचीत नहीं करेंगे। जो हमारे बड़े पहलवान हैं, जो हमारे गुरु खलीफा हैं, जो बड़े बड़े हैं, जो सीनियर हैं, जिनमें समझ है, बहुत सारे द्रोणाचार्य आए हुए हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। कंप्लेंट थाने में दी गई है, वो जो इंसिडेंट है वो कितने टाइम पीरियड के, कब से इस तरीके की बातें हो रही हैं? जब से ब्रजभूषण आए हैं तब से लेके और अभी करंटली जो चीजें चल रही हैं अब तक की, इनके बीच में जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब कंप्लेंट में है। कितना समय मान ले, 4 साल 5 साल? ताजा भी कंप्लेंट है, 12 साल से जो है ना, 12 साल से लेके जो काला चिट्ठा जो उनका है, जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक है, उस हर कंप्लेंट, हर लड़की कंप्लेंट्स में वही चीज़ है। आप लोग आगे जो इंटरनल कमेटी है या उसके पहले आप लोगों ने इसके पहले कंप्लेंट की थी? कहाँ करते, कोई कमेटी थी ही नहीं। साक्षी कमेटी के मेंबर बना रहे कि साक्षी को जिस दिन पहले दिन धरने पे बैठी उस दिन पता चला कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में कोई कमेटी है और उसकी मेंबर है साक्षी। और जो कमेटी है उसमें जो चेयरपर्सन होता है वो महिला होती है और 50% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी होती है, उसमें सिर्फ साक्षी है, तो वो कमेटी ठीक नहीं थी। और वो अगर हम बोले भी ब्रजभूषण के खिलाफ में, उसी कमेटी में जाके बोलना मतलब कि अपने हाथ से अपने पैर काटना, खुद के हाथ में तलवार लेके। तो हियरिंग के दौरान कोई आपकी बिजनेस हॉस्टाइल हुई कि बोला गया था कि वो एक इल्जाम लेकर के जारी किया ऐसा हुआ और बाद में वहां जाकर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, जब तक एक्शन नहीं हो जाता, जब तक उस पे अरेस्ट नहीं हो जाता तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। जो फेडरेशन का ऑफिस होता है वो किसी के घर में होता है, आज भी ब्रजभूषण के घर में वो फेडरेशन ऑफिस चल रहा है। किस लिए चल रहा है? जो लोग सस्पेंड कर रखे हैं वही लोग उसमें बैठ रहे हैं। किसी ने अधिकार दिया किसी के घर में? मैं अगर कोई, अगर किसी चीज का मैं अध्यक्ष हूँ कोई भी खेल संघ का, तो मैं अपने घर पे ऑफिस बनाऊंगा? किसी को अधिकार दिया है? और जब उस पर आरोप है तो टारगेट उसी को किया जाएगा और जो उसके साथ इन्वॉल्व लोग हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। अभी जो चीज़ मुद्दा है वो सेक्सुअल हरासमेंट का है, मुद्दे करप्शन के बहुत है पर पहले सेक्सुअल हरासमेंट का है। अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारी अभी किसी से बात नहीं हुई है, जैसे भी ऑर्डर आते हैं वो हम डिसाइड करेंगे बैठ के, जो हमारी कमेटी है कोचिज की, हमारे जो गुरु खलीफा है उन सभी से बैठ के एक बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद जैसा भी डिसीजन होगा उनका होगा, हमारा कोई डिसीजन नहीं है। अब की बार लड़ाई में चेहरा हम है लेकिन लड़ाई हमारे जो कोच खलीफा है, जो बड़े हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं, आप लोअर कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए वो हमारा फैसला नहीं है, वो फैसला जो भी होगा आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। धन्यवाद जी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।